गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एलन मस्क की पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, बिल गेट्स की पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, जेफ बेजोस की पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, तो क्या वाकई में पैसा किसी महिला के प्रेम और वफादारी को सुरक्षित रखता है? ये पुरुष दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, फिर भी उनकी अपार संपत्ति उनकी पत्नियों के प्रेम और वफादारी को सुरक्षित नहीं रख पाए, इसका क्या कारण है गुरुदेव? ये मैंने अभी इससे पहले यही बात मैं कह रहा था कि धन से सब कुछ संभव नहीं है। अब एलन मस्क की बात करें कि बिल गेट्स की बात करें कि जेफ बेजोस की बात करें, जो भी, ये दुनिया के और भी बहुत सारे, बहुत बड़ी श्रृंखला है इस चीज़ की। तो संपत्तियां आपके संबंधों का आधार नहीं हो सकती हैं। वो टर्नओवर आपको दुनिया में दिखाने के लिए या एक कृत्रिम और आर्टिफिशियल जीवन को इस्टेब्लिश करने के लिए हो सकता है, लेकिन उससे वास्तविक संपदा नहीं हो सकती। आप किसी की ऑनेस्टी को, किसी की वफादारी को, किसी की क्रेडिबिलिटी को, किसी की लॉयल्टी को नहीं परचेज कर सकते हैं कभी भी। और किसी महिला हो कि पुरुष हो, कि कोई महिलाएँ ज़्यादा मन से जीती हैं, मैंने परमात्मा का स्थान बताया ना आपको, वो दिमाग की तरफ जाती ही नहीं है। पुराने समय में इसलिए ज़्यादा व्यवस्था ये थी कि स्त्रियों को ज़्यादा ऐसी शिक्षाएं और ऐसी व्यवस्थाओं को डालो ही नहीं कि पुरुषों जैसे हो जाएं। और जब स्त्रियां ज्यादा शिक्षित हो जाती हैं तो पुरुषों जैसी हो जाती हैं, उनका वहां स्त्रीत्व समाप्त होने लगता है। तो अब वो पुरुषों की अपनी अदम्य कामनाओं ने उनको, स्त्रियों को पुरुषों जैसा बनाने की इच्छा की है, बस यहीं से सारा बिगाड़ खाता शुरू हो गया। तो आप किसी भी महिला जो हृदय से जीती है, जो स्थान बताया गया द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक में, वो हृदय से जीती है तो हृदय से ही रहेगी, वो बाकी चीजों से ना रखेगी। तो हम जो मेहनत करते हैं किसी संबंध को सहेजने की, उस मेहनत से वो संबंध निष्क्रिय होता है, क्षरित होता है, समाप्त होता चला जाता है। ये थानेदारी गलत चीज़ है। ये पैसा आपने करा, आपने जासूसी कर दी किसी के पीछे, आप उसके फ़ोन की टेप, बहुत शिष्टाचार जो सामान्य शिष्टाचार हैं उनसे हम ऊपर चले जाते हैं। ये लोग उस तरह के भय में और इन चीज़ों में खोने और अपने आप को गंवाने लगते हैं। अब चूँकि खुद तो समय दे नहीं रहे हैं, तो समय ना दे करके वो पैसा दे करके उस समय को खरीदना चाहते हैं या उस तरह की व्यवस्थाओं को करना चाहते हैं। तो और जो उसकी जो निजता है किसी भी प्राणी की, जो आत्मवान प्राणी है, उस आत्मवान प्राणी को आप कैद में नहीं रख सकते। सोने के पिंजरे में भी पक्षी कभी प्रसन्न नहीं होता है। तो ये सोने के पिंजरे हैं। अब ये हम पूरा जीवन उसमें स्वाहा कर देते हैं कि हमने बहुत पैसा अर्जित किया, हमने ये इतना करोड़ों का टर्नओवर कर लिया, लेकिन वो टर्नओवर किसके लिए किया आपने? वो तो कोर्ट कचहरियों में खत्म हो जाएगा इधर उधर, या किसी और तरह से कहीं और वेस्ट हो जाएगा। तो हमें अगर ये समझ पाए हम और अच्छे ढंग से अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, तो हमें विनम्रता के साथ बहुत ज़्यादा गिफ्ट की, बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। संवेदनाओं की आवश्यकता होती है, आपकी सहज की सम्मान की आवश्यकता होती है। हमारे एक दोष हुआ ज्ञात नारिस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, पूजनते की जरूरत नहीं है, समानते की, समान की जरूरत है, सम्मान की आवश्यकता, सिर्फ आदर दीजिए बस, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचते हैं कि आप बहुत धन पशु हैं, बहुत बड़े संपदा के स्वामी हो गए हैं, तो वो भी एक आइटम या एक आर्टिकल या कोई एक वस्तु या कोई एक सामान भर आपके घर में है, बस यहाँ चूक हो जाती है। ये चूक एलन मस्क या बिल गेट्स या जेफ बेजोस से हुई और बहुत सारे लोगों से होती रहती है। तो ये पर इस बात को दिखाती भी है कि धन कमाने के पीछे जो पागल हैं उससे कुछ होने जाने वाला भी नहीं है। अभयम् भयम् भयजल।